हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर 1 इज क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है? क्रॉप्स जो फार्मर्स ग्रो करते हैं ना, फूड ग्रेन्स हो गया, पल्सेस हो गया, वो सबको क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन, उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसका जो हार्वेस्ट करने के बाद में उसको कैसे रखना पड़ेगा, वो सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, खाली क्रॉप प्रोड्यूस करना इम्पोर्टेंट नहीं, उसको सेफ रखना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो फार्मर आपने देखा होगा, ठीक है, व्हाट टूल्स ही यूजेस खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लाउ। ओके, दीज आर द टूल्स विच ही यूजेस इन द फील्ड। ओके, एवरी वन रिक्वायर्स फूड, यू नो दैट। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, बी इट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ओके, एनी वन ऑफ देम रिक्वायर फूड फॉर लिविंग, विदाउट फूड यू कांट लिव। ओके, you know that animals and humans both can't make their own food, they depend on plants to get food. Okay, now food is utilized by organisms for carrying out various body functions such as digestion, respiration and excretion. Okay, the food we eat, it has to be digested. Okay, respiration, what we breathe, and excretion, what we throw out of the body. Okay, it's called excretion. So energy is required for all these activities. We get food from plants or animals or both. Okay, humans eat animals also. Okay, and we eat plants also. Plants means what? We eat vegetables, we don't eat directly plants. Okay, like herbivorous animals क्या है, वो डायरेक्ट पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, हम ऐसा नहीं खाते हैं। वो हम लोग क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं उसमें से सीरियल्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, फूड ग्रेन्स आते हैं, वो सब खाते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। ठीक है, अभी फूड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द होल पॉपुलेशन, सो यू हैव टू ग्रो क्रॉप्स ऑन अ लार्जर स्केल। ओके, एंड आफ्टर ग्रोइंग यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम टू द पीपल, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ओके, द अर्लियर ह्यूमन बींग्स यूज टू ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Vegetables means they used to not grow, they used to eat directly from the trees, berries and all nuts, whatever is available from the trees. Okay, they used to hunt animals and they used to eat animals. Okay, later on they started growing crops. Okay, they started cultivating land and they started producing wheat, rice and other food crops. Okay, thus agriculture was born. Okay, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. You have seen farmers growing crops, वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी जगह होती है उनके पास और एक ही तरह के crop, जैसे कि बाजरा ग्रो किया है, crop बाजरा crop है, मतलब बाजरा खाते हैं, तो that crop कब बोला जाता है उसको क्रॉप, व्हेन इट इज ग्रोन इन अ लार्ज स्केल, वो पूरे सारे फील्ड्स में बाजरा बाजरा ही रहेगा तो इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। कोई किसी का फील्ड है उसमें कोई वीट ग्रो करता है, पूरा फील्ड्स में वीट ग्रो करता है, तो दैट इज़ अ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर ऑफ दैट ऑफ वीट। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, काफ़ी टाइप का क्रॉप्स होते हैं,
कोई फार्मर होता है वो क्या करता है, खाली फ्रूट्स ग्रो करता है उसके फार्म्स पे, बहुत बड़ा फार्म होगा उसके अंदर खाली फ्रूट्स ही ग्रो करेगा। कोई फार्मर क्या करेगा, खाली वेजिटेबल्स ग्रो करेगा। कोई क्या करेगा, खाली पल्सेस ग्रो करेगा। ठीक है, वो कैसा करते हैं, दे ग्रो अकॉर्डिंग टू द सीज़न। ठीक है, सीज़न जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वैसे वैसे वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, द कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। लाइक इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, इफ यू कंपेयर बोथ जोन्स, ओके, हैव डिफरेंट, बोथ जोन्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, ओके, दे डोंट हैव द सेम टेम्परेचर, ओके। अकॉर्डिंगली देर इज अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. ठीक है, मतलब क्या है, इतना सारा variety है अपने इंडिया में। अभी सपोज नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर अलग होगा, सीजन अलग होगा, साउथ इंडिया में सीजन अलग होगा, फिर भी क्या है कि दो क्रॉपिंग पैटर्न्स यू कैन कंक्लूड। फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो बारिश में उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। कब उगाते हैं, बारिश का सीजन कब होता है, जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। उसमें कौन कौन से ग्रो करते हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड खरीफ क्रॉप्स, उसको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। सोयाबीन ग्रो करते हैं, मकई ग्रो करते हैं, फिर कापूस ग्रो करते हैं, सेंगदाना ग्रो करते हैं। ठीक है, ये सब कब ग्रो करते हैं, रेनी सीजन में। सेकंड वन इज राबी क्रॉप्स, दे आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, कब उगाते हैं, अक्टूबर में और मार्च में उसकी फसल तैयार हो जाती है। एग्जांपल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर वीट, ग्रैम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। गेहूँ, फिर चना, फिर मस्टर्ड, राई और लिनसीड। ठीक है, बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। ठीक है, वेजिटेबल्स कभी भी ग्रो होते हैं, जैसे अभी बारिश है तो फिर बारिश में क्या होता है, भिंडी आता है, जाता है, चौली आता है ना, वो सब वेजिटेबल्स आते हैं, और समर में बाकी सारे वेजिटेबल्स आते हैं। मतलब फार्मर्स ग्रो अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। What are the basic practices? Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. ठीक है, अगर आप प्लांट भी ग्रो करते हैं या कोई माली फूल भी, फूल का पौधा ग्रो करता है, तो सारों का जो स्टेप्स है, प्रोसीजर है, वो सारा एक ही टाइप का होता है। ठीक है, दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड are referred to as agricultural practices. These activities are listed below. First activity क्या होती है, preparation of soil, मतलब जो ज़मीन है वो तैयार करनी होती है अच्छी तरह से। सोई मतलब जो दाना है वो डालने का, बीज, बीज डालने का, जो soil तैयार होगी ना उसके अंदर। adding manure and fertilizers, manure डालना पड़ता है, खाद। ठीक है, ताकि अपने जो crops हो वो अच्छा हो। इरिगेशन मतलब पानी देना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब कोई जो जंगली अनवांटेड प्लांट्स उगना नहीं चाहिए तो उसका प्रोटेक्शन, या फिर कोई कीड़े नहीं पड़ना चाहिए उसका प्रोटेक्शन। उसके बाद हार्वेस्टिंग, जब तैयार हो जाता है क्रॉप तो उसको क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग। ठीक है, मतलब उसको काट के हम लोग स्टोरेज करते हैं उसका। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप कोई भी क्रॉप उगाने के पहले क्या करना पड़ता है, पहले ज़मीन अच्छी है कि नहीं देखना चाहिए हमको। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। क्या करते हैं फार्मर्स, आपने देखा होगा ट्रैक्टर से कोई लोग करते हैं, कोई लोग बुलक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसका ज़मीन कम है वो क्या करता है, बुलक्स यूज़ करते हैं, तो वो सॉइल के अंदर एक प्लाव आता है, वो मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, आगे ड्राइंग में है वो आपको समझा दूंगा। प्लाव से क्या करता है, जो सॉइल है उसके अंदर एक ऐसा
खड्डा करके उसको ट्रैक करते हैं मतलब प्लाव से, तो क्या है पूरा जो सॉइल है वो क्या करता है अप्स एंड डाउन हो जाता है, मतलब जो जो सॉइल कड़क हो जाती है ना बहुत टाइम के बाद, अगर उसके पास सपोज कुछ ग्रो नहीं किया या कोई भी क्रॉप ग्रो किया है तो वो क्या सख्त हो जाती है, वाटरिंग करते हैं तो क्या सख्त होती है, तो उसको लूज करना पड़ता है बिफोर ग्रोइंग। लूजर करने के पहले क्या करेंगे हम लोग, उसको खोदेंगे, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल, अगर सख्त होगी जमीन तो क्या होगा रूट्स है ना अंदर तक नहीं जा पाएंगे और वो क्रॉप है ना अपने को अच्छा क्रॉप नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन वेन दे गो डीप इन टू द सॉइल, ठीक है। अगर रूट्स अंदर भी जाते हैं ना तो उसको ब्रीथ करने के लिए ईजी पड़ेगा अगर लूज होगा तो, ठीक है। द एयर विल एंटर थ्रू द वॉइड्स बिटवीन द सॉइल, ठीक है। वॉइड्स मतलब गैप्स, जो सॉइल के बीच में गैप्स है उसके अंदर से हवा जाएगी और द रूट्स कैन बी एबल टू ब्रीथ ईजीली, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रीजन वाई वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल बाय एक्सकवेटिंग इट। So this is the reason why we have to loosen the soil before growing the crops. Okay. The loosened soil helps in growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why does the soil need to be turned or loosened? ठीक है, मतलब अगर soil loose होगा तो क्या है उसमें earthworms जो कीड़े होते हैं और माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आँख से नहीं देख सकते वो सॉइल के अंदर जाके सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे अगर कोई जानवर छोटा कीड़ा या कुछ भी मर गया अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको वापस सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो कौन एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स का रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो द क्रॉप द यील्ड ऑफ द क्रॉप विल बी मच मोर, यील्ड मतलब जो आउटपुट है वो क्रॉप का वो बहुत ज़्यादा होगा और अच्छा क्वालिटी का होगा, ठीक है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स बैक द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो हम लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो क्या है ज़्यादा एकदम पेड़ जैसा उसका रूट्स इतना अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। दे ग्रो अप टू अ सर्टन सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द सॉइल, तो अगर हम लोग उसको लूज करते हैं तो क्या होगा जो सॉइल के अंदर है ना नाइट्रोजन होता है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो नाइट्रोजन क्या होता है उसमें वो नीचे होता है और रूट्स क्या करते हैं वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो नीचे का सॉइल ऊपर आ गया ऊपर का सॉइल नीचे आ गया तो क्या होगा वो रूट्स को नाइट्रोजन मिलते रहेगा, ठीक है, नाइट्रोजन ख़त्म नहीं होगा उसमें से और यू कैन से इट इज़ अ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल क्या होगा वो मिलते जाएगा रूट्स को। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोविंग, ठीक है, उसका क्या नाम है टिलिंग और प्लोविंग। जो सॉइल हम लोग लूज करते हैं ना और नीचे का सॉइल ऊपर लाते हैं ऊपर का सॉइल नीचे चला जाता है तो उसको टिलिंग और प्लोविंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव, प्लाव्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग, द प्लाव फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स, ठीक है। अभी जो सख्त होगी ज़मीन तो क्या करना पड़ेगा उसको पानी डालना पड़ेगा पहले नरम करने के लिए, पानी डालने से क्या होगा नरम होगा और बाद में वो क्या है प्लाविंग इजीली हो पाएगा। किससे करते हैं वुड का होता है या लोखंड का होता है, ठीक है, पहले वुड का होता था अभी ज़्यादातर आयरन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब वो प्लाविंग करते हैं
तो मट्टी के बड़े बड़े ये क्रम्स तैयार होते हैं, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद अ प्लैंक। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पजेज। बाद में जो बड़े बड़े बॉल्स जैसा तैयार होते हैं मट्टी के, उसको तोड़ना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फील्ड इज लेवल, लेवल कर देते हैं पूरा। खोदने के बाद क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है सॉइल, तो एक लेवल हो जाएगा। लेवल होने से क्या होगा, पानी है ना बराबर, पूरा जो फील्ड है पूरे में पानी बराबर मिल जाएगा, ठीक है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। लेवलर एक आता है, उससे लेवलिंग होता है सॉइल का, ठीक है। वो हम लोग फोटो में देखेंगे, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है प्लाव, ये पहले ना ऐसा वुड का होता था, ठीक है। ये वुड का हो गया लॉन्ग, और ये जो है वो बुलक के, बुलक जो थे होते थे उसके उधर फिक्स करते थे, और ये ज़मीन में जाता था, ये लोखंड का होता था, ठीक है। अभी आजकल ये आयरन का बना है, ठीक है। ये ऐसे होता था, ठीक है, बुलक से ऐसे करते थे, और ट्रैक्टर से भी करते हैं, अभी ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, और ये टाइप का प्लाव है, ठीक है। ये लोखंड का है पूरा, ठीक है। समटाइम्स मैन्यूअर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर ट्राइलिंग। मतलब मैन्यूअर मतलब क्या हो गया, जो सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है उसको मैन्यूअर बोलते हैं। मैन्यूअर मतलब काउडंग भी हो गया, काउडंग डाल देंगे तो भी उसका फर्टिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विद द सॉइल। मतलब क्या है, वो हम लोग डालेंगे तो उसका सॉइल का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, और क्रॉप्स हम लोग को अच्छा मिलेगा, क्वान्टिटी अच्छा मिलेगा, क्वालिटी अच्छा मिलेगा। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, ठीक है। जो ज़मीन है ना उसके ऊपर हम लोग पानी छिड़केंगे बिफोर सोइंग, ठीक है। बीज डालने के पहले हम लोग उसको बीना करेंगे। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ठीक है। हमने इधर पढ़ा था आगे, ठीक है। जो क्रम्स होते हैं बड़े बड़े क्रम्स, उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं पहले। कितने साइज़ में तोड़ेंगे, जो अपना दाना होगा बीज, बीज का जो साइज़ होगा वो साइज़ में हम लोग उसको तोड़ेंगे। वो करने के लिए बहुत सारा टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर, ठीक है। ये तीन चीज़ यूज़ करते हैं वो साइज़ क्रम्स का तोड़ने के लिए। प्लाव, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। प्लाव क्या करता है, जो हम लोग जो पहले क्रॉप्स अगर ग्रो किए होंगे तो क्या होता है, अननेसेसरी अनवांटेड जो प्लांट्स ग्रो होते हैं फील्ड में उसको क्या बोलते हैं, वीड्स, ठीक है। वीड्स को निकालने में काम आ जाता है, फिर बाद में जो सॉइल है सख्त हो जाती है तो उसको लूज करने में काम आ जाता है, ठीक है। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, ठीक है। हमने जो फोटो में देखा किधर किधर बुल्स की जगह कैमल्स भी यूज करते हैं और घोड़े भी यूज करते हैं, फॉरेन में घोड़े हैं तो घोड़े यूज करेंगे, किधर किधर ट्रैक्टर्स भी यूज करते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर, ठीक है। ये हम लोग फोटो में देखेंगे प्लाउशेयर, ये हो गया आपका हो, और ये हो गया प्लाव, ये प्लाव का शाफ्ट हो गया, ठीक है। ये जो लकड़ी है, और ये हो गया प्लाव शेयर, ठीक है। ये जो बॉटम वाला पोर्शन है इसको प्लाव शेयर बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रांग होना चाहिए वो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, आयरन मतलब लोखंड का, स्ट्रांग होगा क्यों, तभी वो जमीन है ना उसको हम लोग लूज कर पाएंगे खोद के, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ अ प्लाव इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लाव शाफ्ट। देर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, ठीक है। ये हैंडल होते हैं जिससे जो फार्मर है वो पकड़ के चलाता है, ठीक है, और ये बुलक्स के गले में जाता है।
the indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. ठीक है, ज़्यादातर अभी लोखंड के यूज होते हैं. हो इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स. ठीक है, सेम ही होता है, लेकिन खाली एक चीज़ इसमें है कि उधर एक आयरन का शू जैसा होता है और इधर क्या होता है, एक प्लेट होती है, बेंट प्लेट होती है. ठीक है, ये भी यूज़ करते हैं. कल्टीवेटर, नाउडेज प्लाविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. बहुत बड़ी ज़मीन होगी तो ये बुलक से करने में टाइम ज़्यादा चला जाएगा. ठीक है, तो ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं. सोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दाना डालेंगे तभी क्रॉप्स आएगा. ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोइंग सीड गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड. अच्छी क्वालिटी के सीड सिलेक्ट करेंगे. कैसे करेंगे, उसका एक प्रोसीजर है. वो सीड्स को हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे. अगर जो सीड्स फ्लोट होते हैं उसका मतलब क्या है, वो ख़राब सीड्स है, वो यूज़ नहीं करेंगे. जो सीड्स सिंक हो जाते हैं, मतलब पानी के अंदर बॉटम में बैठ जाते हैं, तो दोज आर गुड सीड्स, सो उसे क्रॉप्स अच्छे आएंगे. सो दैट इज़ वन मेथड इन विच यू कैन सिलेक्ट द क्वालिटी ऑफ सीड्स. ओके, यही वो एक्टिविटी में बताया, जो अभी बताया मैंने वही एक्टिविटी में है. ठीक है, डैमेज सीड्स क्यों फ्लोट होते हैं, क्योंकि वो हॉलो होते हैं, हॉलो मतलब पोकल हो जाते हैं, ख़राब होते हैं अंदर से, इसके लिए वो फ्लोट होते हैं, तो वो सीड्स नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स. ठीक है, कौन कौन सा टूल्स यूज़ करना चाहिए वो भी हम लोग आगे देखेंगे. ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स. दिस एंड स्पीयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस द सीड्स देयर. ठीक है, मतलब ये देखो, ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये प्लाव है, प्लाव के साथ में एक फनल, ठीक है, एक नली है और इसके अंदर फनल है, इसमें सीड्स डालेंगे तो सीड्स क्या होगा, पाइप के द्वारा नीचे जो खड्डा हो जाता है प्लाव से उसके अंदर चले जाएगा वो. ठीक है, आजकल अभी ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये हम लोग ट्रैक्टर्स के पीछे भी ऐसे एक फनल होता है, फनल के अंदर डालते हैं, ट्रैक्टर्स में लगाते हैं अभी. ये रहा जो मैं बता रहा था, ये हो गया आपका फनल हो जाएगा ऊपर, और ये पाइप्स है, वेरियस पाइप्स है. ठीक है, ये वेरियस पाइप्स इसके पीछे रहेंगे, जहाँ जहाँ खड्डा हो जाता है वहाँ वहाँ वो सीड्स अंदर सॉइल के अंदर चले जाएंगे. सीड ड्रिल, नाउडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. जो अभी मैंने समझाया वही चीज़ है. दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज. ये क्या होगा, ये प्रॉपर डिस्टेंस पे बनाया हुआ है, तो क्या है, बराबर एक जो सीड्स है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे सो हो गए. सो क्या होगा, इसका रूट्स है ना, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा और प्रॉपर जो आउटपुट है अपने को मिलेगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का क्रॉप्स मिलेगा. ठीक है, दिस टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंसेज एंड डेप्थ. इट एंश्योर्स द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. इसके पीछे है ना एक लेवलर होता है, एक वुडन पीस होता है, लॉग ऑफ वुड, तो उसके पीछे इधर हुक होता है, इधर अटैच करते हैं, इससे क्या होगा, सीड्स ग्रो हो गया और पीछे लेवलर क्या होगा, ऊपर मट्टी कवर कर देगा. ठीक है, तो क्या है, जो बर्ड्स है वो उसको सीड्स को खा नहीं लेंगे, इसके लिए तुरंत लेवल करना ज़रूरी होता है, मट्टी डालना ज़रूरी होता है. ठीक है, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. उसे क्या है, लेबर भी बच जाता है, मतलब आदमी का मेहनत कम हो जाता है और टाइम भी बच जाता है. ठीक है, एंड अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. मैंने वही समझाया अभी,
क्या है, अगर सीड्स नज़दीक नज़दीक है तो क्या होगा, ये इसका रूट्स और इसका रूट्स मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरह से वो जो क्रॉप है उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। सीड दूर होने से क्या होगा, इसका जो रूट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा सिर्फ यही क्रॉप को मिलेगा, ठीक है, और फिर इसका जो रूट्स है फिर सिर्फ इसको ही न्यूट्रिएंट्स देगा। सो सबको न्यूट्रिएंट्स बराबर बराबर मिलेंगे, ठीक है।